चालू हो गया। बस हो गया लगता कैसे चलाते हैं बाघा ये। अरे कितना ब्रेक मारता है, किधर गया? झटका मार मार के खड़ा करता है। अरे भाई साहब एजेंट खेतवानी भाई कहाँ मिलेंगे? ये क्या है? अच्छा आप भी एजेंट खेतवानी भाई जी? ओ मैं जटालाल सुंदर का जीजा जी। ओ माल भेजना का ना अफ्रीका, वो माल लेके आए। अरे बाबा आप किधर है? मैं आप ही का राह देख रहा था। अरे भाई क्या करे, रास्ते में ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ लिया तो उसमें थोड़ा टाइम चला गया, लेकिन पहुंच गए। अभी जल्दी से आप यहाँ माल का कब्जा ले लो तो हमारी जान छूटे। आराम से आराम से, जल्दबाजी मत करो। अच्छा मतलब अभी टाइम है? अभी टाइम ही टाइम है। आइए ऑफिस में बैठ के बात करते हैं, आइए। हाँ। तो भाई अब मैं क्या करूँ? आपका काम हो जाएगा, आप निकलिए, आप आइए। यहाँ पहुँचते पहुँचते रास्ते में इतनी मुश्किल आई लेकिन पहुँच गए। वाह वाह वाह, कमाल पहुँचा दिया तूने। तो सुबह सोसाइटी में वो पहली बार मैंने तुझे टेम्पो चलाते हुए देखा था, मैं तो टेंशन में आ गया था, मुझे तो झटका पड़ गया कि ये पहुँचाएगा कि नहीं। लेकिन तू तो अर्जेंट निकला है, बराबर पहुँचाया हमको इधर तक। सेठ जी आखिर भतीजा किसका है? नटवरलाल प्रभा शंकर उड़ाई वाले का। ये इज अ वंडरफुल पेडिग्री। और मेरा क्या है सेठ जी, मैं कभी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता, इसलिए लोग मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, ए छोड़ो बेकार की बातों को, बड़ी बीत चुकी है रहना। आप गलत कर रहे, कहीं बीत न जाए रहना, ऐसा है? अरे बाबा हम बिल्कुल सही गा रहा है, बीत चुकी है रहना। ये दो सुंदर के माल के भेजे हुए पेपर, अभी आप अपना माल वापस लेके जाओ। क्यों क्या, टाइम देखो ना, पूरा 12 बज गया है, जबकि 11 बजे से पहले माल पहुंचाना था। तो क्या अफ्रीका के लिए जहाज निकल गया? हाँ निकल गया। क्या? अरे नहीं उसको रोको रोको भाई, जहाज को रोको। अरे ये कोई ऑटो रिक्शा है तो हाथ दिखा के रोकेगा? अरे आजकल हाथ दिखाने पर भी रिक्शा कहाँ रोकते हैं? अरे नट्टू काका यहाँ सीरियस बात चल रही है, आपको मजाक सोच रहे हैं? आई एम नॉट जॉकिंग माई डियर सेठ जी, आई एम मोर देन सीरियस देन यू। आज सवेरे हमने टेम्पो वाले के पास जाने के लिए कितनी रिक्शाओं को हाथ दिखाया तो रोकी नहीं। अरे शांति रखिए नट्टू काका, पर खेतवानी भाई वो फोन करो उनको, वापस बोलो बोलो थोड़ा रिवर्स ले लो, हम खुद अपने हाथों से माल चढ़ा देते, बोलो आज कुछ भी करके माल अफ्रीका लेते जाओ प्लीज। अरे बाबा अभी जहाज निकला नहीं है। नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे खाम का टाइम वेस्ट किया खेतवानी साहब अपने इधर ऑफिस में लाके, अरे अब तक तो माल अपने आप चढ़ गया होता जहाज में। अरे बाबा कभी जहाज से माल भेजा नहीं है क्या? नहीं कभी। अरे बाबा इसमें भी कुछ कायदे कानून कुछ तो नियम होते हैं ना, जहाज निकलने से 48 घंटा पहले माल जमा कराना पड़ता है, अगर उसमें लेट हो गया तो कुछ नहीं हो सकता है। लेट मतलब इतना कहाँ लेट हुआ, एक घंटा तो लेट हुआ है, चलता है इतना तो? अरे बाबा नहीं चलता है, यहाँ का कायदा बहुत कड़क है। नहीं मतलब तो अभी अभी क्या, अभी आप अपना माल वापस लेके जाओ। देखिए खेतवानी भाई माल मैं वापस नहीं ले जा सकता, कोई रास्ता निकलिए प्लीज। हाँ देखिए ये जहाज निकल गया ना तो कोई बात नहीं, इसके बाद वाला जो जहाज जा रहा है उसमें भेज देना माल। ठीक है अभी अगला जहाज 21 दिन के बाद निकलेगा, अभी आप अपना माल लेके जाओ, 18 दिन के बाद अपना माल वापस लेके आओ। हेलो, हाँ जीजा जी पहुंच गए?
पहुंच गए। थैंक यू अजीता जी, आपका ये हुक्का मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुंदर, वो हम लोग पहुंच तो गए लेकिन यहाँ पहुंचने में 12 बज गए। चीचा जी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने क्या किया? गोकुल धाम से तो आप कब से निकल गए थे? डोकिया पहुंचने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे भाई, डोकिया गोकुल धाम के बाजू की गली में थोड़ी है भाई। और सुबह के टाइम में रास्ते में कितना ट्रैफिक होता है पता है तुझे? जीजा जी, आपको पता नहीं है कि आपकी इस गलती की वजह से मैं ट्रैफिक सिग्नल की फुटपाथ पे आ जाऊंगा। अरे मैं अपने पार्टनर सत्पाल को क्या जवाब दूंगा? अफ्रीका वाली पार्टी को क्या जवाब दूंगा? जीजा जी, आपने मेरा करोड़ों का नुकसान करवा दिया, आपने मुझे बर्बाद कर दिया। करोड़ों का नुकसान? इसमें करोड़ों का माल था जीजा जी? ये माल वहाँ जहाज में पहुंचते ही मेरे खाते में 20 लाख रुपए ट्रांसफर होने वाले थे और एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिलने वाला था। हाँ तो ठीक है, मैंने खेतवानी भाई से बात कर ली है, वो अगला जहाज 21 दिन के बाद जा रहे हैं, उसमें माल भेज देंगे। अरे तब तक तो नवरात्रि खत्म हो जाएगी जीजा जी। जीजा जी, आपने तो मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद करवा दिया। सतपाल तो आगरा माल एक्सपोर्ट करके हमारे बिजनेस की शुरुआत करवाना चाहता था, मैंने उसके पीछे पढ़ पढ़ के आगरा का अफ्रीका करवाया। जीजा जी, आपकी वजह से सतपाल मेरे साथ पार्टनरशिप तोड़ देगा। तो इसमें हंस क्यों रहा है? तो मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। तो अभी ये माल का अभी क्या करने का है? आप रखो, वहाँ किसी पार्टी को बेच देना। अरे मैं कहाँ बेचने जाऊँ भाई, मेरा धंधा इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचने का है, चनिया चली नहीं। जीजा जी, आपकी वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया है। वो नहीं मांग रहा हूँ, कम से कम ये माल बेचकर आप मुझे 20 लाख रुपए बेच दो। 20 लाख? ये 20 लाख का माल है? हाँ, तो 20 लाख में तो तुमने अफ्रीका की पार्टी को बेचा होगा ना? हाँ, तो अब तक तुझे कितने में पड़ा वो बता। 16 लाख में। तुझे दया की कसम, सच सच बता। 8 लाख। ठीक है, 8 लाख दे दीजिए। ठीक है, भेजता हूँ तेरा पूरा माल वापस अहमदाबाद ही भेजता हूँ। जीजा जी, जीजा जी, बगा ये माल आज के आज वापस अहमदाबाद भेज दे। तो अगले जहाज में माल अफ्रीका नहीं भेजना है? नहीं, अभी अगला जहाज 21 दिन के बाद जा रहा है ना, तो सुंदर बोल रहा है तब तक नवरात्र खत्म हो जाएगी, तो माल बेच के फायदा नहीं है कोई। जैसा आपका मर्जी, हमारे लायक कोई सेवा नहीं? कुछ नहीं, थैंक यू, चलो। अरे सुनो, ये पेपर तो लेके जाओ ना। अभी इसका मैं क्या करूंगा? तो मैं भी क्या करूंगा चटू काका। शेठ जी, मैं भी इसका क्या करूंगा? अरे पकड़ो इसे अभी, चलो इधर से। क्या करूंगा, क्या करूंगा?